इंडिकेटर और ब्रेक लाइट, ये दोनों वो चीज़ है जो गाड़ी की लुकिंग के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी को भी बढ़ा देती है। पर जब बात हो इलेक्ट्रिक साइकिल या नॉर्मल साइकिल की, तो वहाँ पर इंडिकेटर ब्रेक लाइट का मिलना ना के बराबर होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक अच्छी लुकिंग के साथ अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल या नॉर्मल साइकिल में कैसे इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट एंड DRL लाइट लगा सकते हैं। फर्स्ट आपको ऐसी 4 स्ट्रिप लाइट लेनी है। ये लाइट 2 पीस का सेट मल्टीपल कलर कॉम्बो में आता है। आपको 2 पीस रेड एंड येलो कलर लेना है जो आपके ब्रेक लाइट एंड इंडिकेटर लाइट का काम करेंगे, और 2 पीस आपको व्हाइट एंड येलो कलर लेना है जो आपके DRL लाइट एंड इंडिकेटर लाइट का काम करेंगे। सेकंड आपको लेना है ऐसा स्विच बटन। इस स्विच बटन में मिलेगा आपको ये इंडिकेटर बटन और ये एक DRL लाइट के लिए बटन, और साथ ही ये है हॉर्न बटन। अब देखो यार, इलेक्ट्रिक साइकिल में हॉर्न पहले से आता है तो आपको इस बटन की जरूरत नहीं है, पर जिनकी नॉर्मल साइकिल है वो लोग इसमें हॉर्न कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखना, मैं हॉर्न के साथ साथ बाकी सारे कनेक्शन बताऊंगा कहां कैसे क्या करना है। अब थर्ड, आपको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए इन सबको चलाने के लिए। अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है तो आप 12 वोल्ट की बैटरी परचेज कर लें, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल है तो आपकी साइकिल में एक 12 वोल्ट DC कन्वर्टर लगा होगा जो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल की हेडलाइट और हॉर्न को 12 वोल्ट की सप्लाई देता होगा। तो आपको ब्लैक वायर 4 माइनस एंड येलो वायर 4 प्लस के लिए यूज करना है। सबसे पहले आपको रेड और येलो वाली स्ट्रिप लाइट लेनी है और उसकी टेप को रिमूव करके साइकिल के पीछे चिपका देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जहां जैसे ठीक लगे चिपका लेना, अदरवाइज आप यहां भी इसे चिपका सकते हैं। अब ऐसे ही आपको व्हाइट एंड येलो वाली स्ट्रिप लाइट लेनी है और उसे भी फ्रंट के फोर्क में चिपका दीजिए। अब बात करते हैं कनेक्शन वायरिंग की। आपको हर एक स्ट्रिप लाइट में 3 वायर मिलेगी, रेड, ब्लैक एंड येलो। आपको चारों स्ट्रिप लाइट की ब्लैक वायर को एक में करके 12 वोल्ट सप्लाई बैटरी की ब्लैक वायर से कुछ ऐसे अटैच कर देना है। अब आपको लेफ्ट साइड की फ्रंट और रियर स्ट्रिप लाइट की येलो वायर को एक में अटैच करना है, और फिर आपको स्विच बटन की ग्रीन वायर में इसे कुछ ऐसे अटैच कर देना है। इसके बाद आपको राइट साइड की फ्रंट और रियर स्ट्रिप लाइट की येलो वायर को एक में अटैच करके फिर उसको भी स्विच बटन की ब्लैक वायर के साथ कुछ ऐसे अटैच कर देना है। इसके बाद आपको स्विच बटन की रेड वायर को 12 वोल्ट की बैटरी की रेड वायर से अटैच कर देना है कुछ ऐसे। अब यहां तक आपका इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आपको फ्रंट की लेफ्ट एंड राइट स्ट्रिप लाइट की दोनों रेड वायर को एक में अटैच करके फिर उसको स्विच बटन की किसी एक ब्लू वायर से अटैच कर देना, एंड दूसरी बची ब्लू वायर को 12 वोल्ट की बैटरी की रेड वायर से अटैच कर देना कुछ ऐसे। अब यहां पर आपका DRL लाइट का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जिनको हॉर्न ऐड करना है वो एक 12 वोल्ट का बाइक का हॉर्न ले, जो आपको मार्केट में 150-200 का इजीली मिल जाएगा। अब हॉर्न की एक वायर स्विच बटन की येलो वायर से अटैच करो, और उसके बाद हॉर्न की दूसरी वायर 12 वोल्ट की बैटरी की ब्लैक वायर से अटैच करो कुछ ऐसे, और अब जो एक येलो वायर बच गई उसे 12 वोल्ट की रेड वायर से अटैच कर दो। अब बात करते हैं ब्रेक लाइट की। अब आपको रियर की लेफ्ट एंड राइट दोनों स्ट्रिप लाइट की रेड वायर को एक साथ अटैच करना है कुछ ऐसे। इसके बाद आपको कुछ ऐसी 1.5 मीटर वायर लेनी है, और इस वायर का एक हिस्सा आपको रेड वायर से अटैच कर देना है और दूसरा हिस्सा 12 वोल्ट की बैटरी की रेड वायर से अटैच कर देना है। अब देखो, जैसे ही ये दोनों वायर टच होंगे आपकी ब्रेक लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसको टच करने के लिए आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं। देखो, यहाँ एक वायर इस मेटल पट्टी से लगी है और दूसरी वायर इस स्प्रिंग में लगी है। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग आगे मेटल की पट्टी से टच होगा और ब्रेक लाइट ऑन होगी, और जैसे ही ब्रेक फ्री छोड़ोगे स्प्रिंग मेटल पट्टी से पीछे चला जाएगा और फिर ब्रेक लाइट ऑफ हो जाएगी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो में।